इसराइल का प्लान बदल गया है? क्या हमास इसराइल मध्यस्थता पर राजी हो गए हैं? क्योंकि गाजा पट्टी में मानवीय मदद के फैसले पर जिस तरीके से नेतन्याहू ने नरमी दिखाई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि दो अमेरिकी बंधकों को छोड़ने के बाद लेबनान में हमास के नेता 200 बंधकों के मामले पर भी नरम पड़ते नजर आए। कतर और मिस्र के नेतृत्व में मध्यस्थता वाले ऑफर के बाद हमास ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। सवाल ये है कि इसराइल हमास ने अपने स्टैंड को कैसे बदला? इस डेवलपमेंट के पीछे संयुक्त राष्ट्र की अपील और उससे भी बढ़कर अमेरिका का प्रेशर है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कैद से अपने बंधकों को रिहा कराने के लिए अमेरिका ने कतर पर प्रेशर बनाया। कतर ने हमास पर दबाव डाला और हमास ने अमेरिका के दो बंधकों को रिहा कर दिया। इसराइल को उम्मीद है कि कतर और हमास के बीच की केमिस्ट्री उसके 200 बंधकों को भी आजाद करा सकती है।